हे एवरीवन, सो मैंने खाया प्रसाद, हमारे घर पे आया था प्रसाद, तो हवन वगैरह हुआ था वहाँ से। तो मैं कुछ प्रिपेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ ओट्स, मसाला ओट्स बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए जैसे हमारे घर के हैं तो इसलिए इनको पहले अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से साफ़ करके इनको भून लिया। इनको मतलब अभी तो देखो ये सूखे हैं, फिर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, भून सकते हैं बिल्कुल लिटिल बिट। हाँ, कोई ज़्यादा घी खाता है तो ज़्यादा भी डाल सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट मैं कम खाती हूँ तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। और फिर मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली, ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, मशरूम एंड 2 चिली, ग्रीन चिली। सो इन सबको कट करके फिर मैंने इनको वॉश कर लिया, साफ़ पानी के साथ इनको वॉश कर लिया। फिर वॉश करने के बाद मैंने गैस ऑन करी एंड देन फिर मैंने क्या करा, मैंने इसमें घी डाल दिया पैन में, और ये देखो घी डाल दिया मैंने। इस मतलब वैसे थोड़ा ही डालना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा डाला था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब एक स्पून ही था घी। फिर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी टेस्ट के लिए, और लिटिल बिट जीरा। फिर इसको रेड होने के बाद मैंने इसमें सारी सब्जी मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी, ऑनियन वगैरह, कैप्सिकम एंड मशरूम मैंने थोड़ी ली थी, जो मतलब जो मुझे उसमें अच्छी अच्छी लग रही थी मैंने वही ली थी। फिर मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसमें हल्दी भी डाल दी थी थोड़ी सी ताकि कलर अच्छा आए, फिर नमक वगैरह भी डाल दिया था। और फिर इनको ओट्स एंड सब्जी वेजेस को मिक्स करके फिर मैंने इसमें ढेर सारा पानी डाल दिया था, और ये फुल रेसिपी है। फिर इसको धीमी आंच पे रख दिया पकने के लिए, कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं। और फिर मैंने इसको इन्जॉय किया अपने रूम में बैठ के, गरम गरम खा के, बहुत टेस्टी था, यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।